इस गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। गरीब लड़का एक ऐसा जादू जानता था जिसे आज के लड़के जरूर सीखना चाहेंगे। लड़का क्या जादू जानता था ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत जोसफ नाम की लड़की से होती है। जोसफ का कोई दोस्त नहीं था जिस कारण वो पूरा दिन किताबों के साथ बिताती थी। जोसफ जवान और बलाखी खूबसूरत थी जिस कारण बहुत से लोग उसे पाना चाहते थे। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो लड़के उसे छुप छुप कर देखने लगते। एक दिन जब वो चर्च आती है तो उसकी नज़र तिम नाम के लड़के पर पड़ती है जो भिखारियों की तरह चर्च बाहर बैठा था। टिम देखने में काफी गंदा सा लग रहा था और जब उसकी नजर जोसफ पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। अब जोसफ चर्च में बैठी थी और टिम पीछे से छुपकर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद जोसफ अपने घर की तरफ जाने लगी तो टिम उसका पीछा करने लगा। उसे देखने के लिए वो एक पेड़ पर भी चढ़ गया। दिन बीतते गए और टिम हर जगह जोसफ का पीछा करने लगा। जोसफ जहाँ भी जाती वो उसके पीछे ही रहता। एक रात वो उसके पालतू को सम्मोहित करके पूरी रात जोसफ के कमरे में गुजारता है लेकिन जोसफ को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसके अगले ही दिन वो उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। जब जोसफ के पिता ने दरवाजा खोला तो टिम उसके सामने गूंगा और बेसहारा होने का नाटक करने लगा। जोसफ के पिता का नाम ब्राउन था और वो उसे घर के अंदर ले जाता है। ब्राउन को टिम काफी अच्छा लगा। वो उसे अपनी किताबें दिखाने लगा जबकि टिम उसे बताता है कि मैंने तो इससे कहीं ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। इसके बाद वो पूरे परिवार के साथ खाना खाने लगा। यहाँ पहली बार जोसफ की मुलाकात उससे होती है। जल्दी ही जोसफ का मंगेतर शॉन भी उनके घर पहुंच गया। ब्राउन उसका स्वागत करता है और फिर उसकी मुलाकात टिम से करवाता है। उनके पूछने पर टिम उन्हें अपने हाथों का जादू दिखाने लगा जिसे देखकर जोसफ तो हैरान थी जबकि ब्राउन बेहद खुश था। वो अपने हाथों से जोसफ को अपने काबू में करने लगा। जोसफ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो वहां से चली जाती है मगर असली परेशानियां तो अभी शुरू होनी बाकी थीं। अगले ही दिन जोसफ के बर्ताव में काफी बदलाव दिखने लगे। उसके पिता को लगा कि उनकी बेटी बीमार है जबकि जोसफ ने अपने मंगेतर शॉन को भी मिलने से मना कर दिया था। कुछ देर बाद उसकी नजर टिम पर पड़ती है जो उसके घर के आसपास ही घूम रहा था। जोसफ उससे डर कर खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। जल्दी ही टिम उसके घर के अंदर आ गया। उसकी आंखों में देखते ही जोसफ को कुछ होने लगा मगर जल्दी ही वो खुद को संभाल कर टिम के लिए खाना परोसने लगी। इसी बीच मौका देखकर वो जोसफ पर जादू करके उसे बस में कर लेता है जिसके बाद जोसफ उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। वो पूरी तरह उसके वश में थी और टिम इसका फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा जिसमें जोसफ उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद जोसफ अपने होश में आती है तो उसे सब याद आ जाता है कि टिम ने उसके साथ क्या किया है। सब कुछ याद आने पर उसे टिम पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है लेकिन अगले दिन वो अचानक अपने घर से भाग कर टिम का पीछा करने लगी। उसके मन में टिम के लिए नफरत थी मगर फिर भी वो उसका पीछा कर रही थी। रात होते होते वो उसके साथ एक घर तक पहुंच गई। ये घर टिम का था। वो अपने परिवार वालों को बताता है कि मैंने जोसफ से शादी कर ली है। जोसफ की हालत देखकर पूरा परिवार हैरान था कि जिस पर टिम उन्हें बताता है कि ये मेरी तरह दिमाग से थोड़ी कमजोर है। अचानक जोसफ टिम के परिवार वालों से मदद मांगने लगी ताकि वो यहाँ से जा सके। तभी टिम फिर से उस पर जादू टोना करने लगा। उसने जोसफ को पूरी तरह अपने वश में कर रखा था। वो जैसा चाहता जोसफ वैसे ही कर रही थी। टिम की हरकतों से उसका परिवार उससे काफी परेशान भी था और उसे डरता भी था। वो लोग जोसफ की मदद तो करना चाहते थे लेकिन वो टिम के डर से कर नहीं पाते। अब तो टिम दिन रात जोसफ को परेशान करने लगा था। टिम को जोसफ की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसे जो करने में खुशी मिलती वो जोसफ के साथ वही करता। वो बार बार उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा। एक दिन तो वो अपने भाई को भी जोसफ का खूबसूरत बदन दिखाता है ताकि वो भी उसके साथ मजे कर सके लेकिन उसका भाई उसे डांट कर वहां से चला गया। वो नीचे आकर अपने परिवार को टिम की हरकत के बारे में बताता है जिसके बाद वो लोग टिम को जबरदस्ती उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो जोसफ को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी जिस कारण उन्हें ना चाहते हुए टिम को वापस लाना ही पड़ता है। अब टिम आकर जोसफ को नॉर्मल करता है और फिर उसे लेकर घर से चला जाता है। दोनों चलते चलते काफी दूर आ गए थे। शाम होने पर वो एक जगह रुकते हैं। टिम आग जलाकर कुछ खाना लेने के लिए चला जाता है जबकि जोसफ वहीं बैठी थी। रात को वो फिर से जादू करके उसके साथ संभोग करता है। जोसफ भी समझ गई थी कि उसके पास टिम की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे वो उसी की तरह बनती जा रही थी। रोज की यात्रा कर करके जोसफ बेहद थक चुकी थी लेकिन टिम उसकी एक नहीं सुनता। एक दिन जोसफ एक आदमी से मदद मांगने में कामयाब हो जाती है मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये आदमी गूंगा और बहरा था। वो जोसफ की बात समझ ही नहीं पाता जिस कारण जोसफ को फिर से टिम के पास ही आना पड़ा। एक दिन ये दोनों चलते चलते कुछ लोगों से टकराते हैं जो मौका देखकर टिम को पीटने लगे। जोसफ उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। टिम को बहुत मारते हैं और आखिर में टिम उन्हें चाकू से डराकर भगा देता है। इस लड़ाई में टिम का हाथ जख्मी हो गया था जिसे देखकर जोसफ को उसके लिए बुरा लगने लगा।
कुछ दिनों बाद ये दोनों एक शादी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहले ये दोनों पेट भर खाना खाते हैं और फिर नाचते भी हैं। जोसेफ को टिम अच्छा लगने लगा था और ये बात टिम भी समझ गया था। टिम को अपने प्यार का सबूत देने के लिए वो टिम से अपने बदन पर गर्म गर्म सरिया लगवाती है, जिसे देखकर टिम हैरान था। जब उसे लगा कि उसने टिम का भरोसा जीत लिया है तो वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। वो भागती भागती एक घर तक आ गई थी। यहाँ दो आदमी उसकी मदद करते हैं। जोसेफ उन्हें टिम के बारे में सब बताने लगती और बताते बताते वहीं बेहोश हो जाती है। टिम भी उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ पहुँचा था। वो रात को जोसेफ पर फिर से अपना जादू करता है और जोसेफ फिर से उसकी कठपुतली बन जाती है। देखते ही देखते हालत बिगड़ने लगी। जोसेफ जानना चाहती थी कि टिम ने उसे ये क्यों चुना। वो टिम के बारे में जानना चाहती थी मगर टिम उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर जोसेफ पहाड़ी के किनारे पर खड़ी होकर कहती है कि मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। ये देखकर टिम समझ गया कि जोसेफ पागल होती जा रही है। टिम के साथ रहते रहते वो चोरी करना भी सीख गई थी। वो एक ऐसी जिंदगी जीने लगी थी जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। ये देखकर टिम को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो जोसेफ को उसी आदमी के पास ले आता है जिसने उसे काला जादू करना सिखाया था। टिम उसे बताता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जोसेफ के साथ बिताना चाहता हूँ और जोसेफ भी यही चाहती है। धीरे धीरे जोसेफ भी उसका ख्याल रखने लगी थी। उसके जख्म के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। वो जोसेफ उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते करते जोसेफ से कहता है कि टिम को अस्पताल ले जाना होगा और इतना कहकर वो चला जाता है। अचानक उसी रात कुछ पुलिस वाले आकर टिम को पकड़ लेते हैं। पुलिस को यहाँ डॉक्टर ने भेजा था। असल में ब्राउन ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली थी और डॉक्टर इस बारे में जानता था। टिम को जेल में ही डाल दिया जाता है और जोसेफ कई महीनों बाद अपने पिता से मिलती है। अपने परिवार के पास वापस आकर जोसेफ जल्दी ही ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद जेलर पूछताछ करने के लिए टिम को बुलाता है। वो जानना चाहता था कि जोसेफ उसके साथ कैसे चली गई, क्योंकि ना तो वो देखने में अच्छा था और ना ही कोई उसके करीब जाता था। जेलर का मानना था कि जरूर टिम ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी, लेकिन टिम कहता है कि जोसेफ अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। जेलर उसे बताता है कि लोगों ने तुम्हें जोसेफ के साथ जबरदस्ती करते देखा था। उनका यह भी कहना है कि जोसेफ तुमसे डरती थी इसलिए तुम्हारे साथ रहती थी। जेलर की बात सुनकर वो उसे सच सच बता देता है कि मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने एक बार उस पर काला जादू किया था ताकि मैं उसके साथ प्यार कर सकूं। लेकिन बाद में वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने लगी थी क्योंकि उसे वो सब अच्छा लगा था। जब इस बारे में जोसेफ से पूछा गया तो वो कहती है कि टिम ने मुझे सम्मोहित किया था। जेलर को उस पर शक होने लगा क्योंकि वो कई महीने टिम के साथ रही थी और कोई भी इतने दिनों तक किसी को सम्मोहित नहीं कर सकता। अब जेलर के जोर देने पर वो सच बोलने लगी। उसका कहना था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, कुछ नया देखना चाहती थी, इसलिए मैं टिम के साथ चली गई। धीरे धीरे मुझे उसके खेल पसंद आने लगे और मुझे उससे प्यार होने लगा। ब्राउन ने टिम पर केस किया था, जिसकी सुनवाई में टिम कहता है कि मैंने उसे जबरदस्ती अपने साथ रखा था। असल में वो नहीं चाहता था कि समाज में जोसेफ की बेइज्जती हो क्योंकि वो भी जोसेफ से प्यार करता था। सच्चाई जानकर ब्राउन अपनी बेटी से माफी मांगता है क्योंकि उसने कभी उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, कभी उसे बाहर की दुनिया नहीं देखने दी थी। एक दिन जोसेफ को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसके बाद ब्राउन ने उसकी शादी शॉन से करवा दी। कई महीनों बाद जोसेफ शॉन के साथ दूसरे देश रहने जा रही थी। जाने से पहले वो एक बार टिम से मिलना चाहती थी, इसलिए वो जेलर से मदद मांगती है। जब वो टिम से मिलने गई तो वो उसे और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि जोसेफ ने अपने बेटे का नाम टिम ही रखा था। उससे मिलने के बाद वो शॉन के साथ चली जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।